हवाई के इनफेमस स्टेयरवे टू हेवन जो मौत के सीढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्या हुआ था 18 साल के डेलिन के साथ जब उसने किसी को बिना बताए अकेले यहाँ हाइकिंग पे गया था। डेलिन हवाई आइलैंड में अपनी दादी से मिलने आया था। काफी दिन से उसको मन था हाइकू स्टेयर्स पे हाइकिंग करने का। क्या आपको पता है ये क्यों इतना डेंजरस है और यहाँ हाइकिंग भी कम्प्लीटली इलीगल है? ये दिखने में ही कितना डेंजरस है। स्टेयर्स बहुत ही नैरो है, चारों तरफ जंग लगी है, कोई मेंटेनेंस नहीं। 4000 सीढ़ियों का ये रास्ता पहाड़ के ऊपर बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इसे बनाया था। पहाड़ के ऊपर उनका सीक्रेट रेडियो स्टेशन था। वॉर खत्म होने के बाद भी इसे नहीं तोड़ा गया और पब्लिक इसे यूज करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर से व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन विदाउट मेंटेनेंस ये धीरे धीरे बहुत ही डेंजरस हो गया और 1987 में इसे बंद कर दिया गया। चारों तरफ घेर के सिक्योरिटी तैनात किया गया। डेलिन अपने दादी को बताया कि उसे यहाँ हाइकिंग पे जाना है। तब उसके दादी उसे स्ट्रिक्टली मना किया और ये भी याद दिलाया कि वो सिर्फ डेंजरस ही नहीं है, अगर पुलिस ने पकड़ ली तो ह्यूज अमाउंट का फाइन भी देना होगा। दादी की बात उसने मान ली। ब्रेकफास्ट के बाद उसने बस पकड़ के सीधा पहुंच गया हाइकू स्टेयर्स की बेस पे। इलीगल पता होने पे भी उसने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था वो। पूरे ट्रिप की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जाने के दौरान उसने बहुत सारे सेल्फी लिया और इमीडिएटली सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट भी किया। पहला पिक था बेस पे और उसके बाद ऑन द वे, लेकिन 11 बजे के बाद फोटोज पोस्ट करना अचानक से बंद हो गया। टॉप पे भी नहीं पहुंचा होगा वो, फिर क्यों बंद कर दी? रात भर जब वो घर नहीं लौटा, घर वाले परेशान होकर पुलिस के इन्फॉर्म किया। पुलिस ने सर्च प्रोग्राम लॉन्च किया, हेलीकॉप्टर से पूरा एरिया सर्च किया गया, कोई साइन नहीं मिला, वो जैसे वैनिश हो गया था। कई दिन तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिला तब पुलिस भी सर्च बंद कर दिया। एज्यूम कर लिया गया था शायद सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो गई। लोगों ने उसके पोस्ट किया गया फोटोज में क्लूज ढूंढना शुरू कर दिया। स्टेयर्स के पास डेंस फॉरेस्ट की एक फोटो उसने लास्ट पोस्ट किया था, झाड़ियों के अंदर एक आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ कौन होगा? कुछ लोगों का मानना है उस आदमी ने डेलिन को फॉलो किया होगा और मौका मिलते ही अटैक कर दिया। सीढ़ियों से गिरने की वजह से डेलिन की मौत नहीं हुई, शायद उसे किडनैप या मार दिया गया था। इस घटना को 6 साल हो गया, डेलिन आज भी मिसिंग है और वो मिस्ट्री मैन भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ऐसे स्ट्रेंज डार्क मिस्ट्रियस रियल स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए।